हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं राम कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करता हूँ, मैं मेसन का काम करता हूँ। जैसे कि मैंने आर्टिफिशियल का एक किचन ओटा बनाया है, मैंने उसके सामने की फेसिया पट्टी, पानी पट्टी या फेसिया पट्टी आप जो बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं एक आपको जानकारी बताऊंगा। जैसे कि ये देखिए, आपने मैं हमने ड्रेनेज का पट्टी बनाया है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। उसके अंदर क्या है, सबसे पहले के क्या है ना, आज से 5 साल 10 साल पहले ये यहाँ से 4 इंच 5 इंच बड़ी पट्टी रहती थी, वो पानी की वजह से गिर जाती थी। क्यों? वेट रिजा रहता था। एक तो वेट की वजह से क्या है ना, अपने एडवर्टाइजिंग कुछ भी करें, सिक्के लगाएं, कॉइन लगाएं, कुछ भी उसमें गिर जाती थी वो। उसकी वजह से क्या है ना, हमने एक नया टेक्नोलॉजी अपनाया है। टेक्नोलॉजी क्या है ना, आपने जैसे कि अपना 1.5 इंच का ये पट्टी दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरा 1.5 इंच का है। उसके अंदर क्या है ना, वेट भी कम है एक, और वेट की वजह से क्या है ना, अपन इसको चिपका सकते हैं, और उसका वेट कम होने की वजह से ये गिरने का चांस कम रहेगा। और आपको एक जानकारी और रखता हूँ, जैसे कि ये 1.5 इंच का आपने पट्टी चिपकाया आपने, हमने तो उसके बारे में क्या है ना, ये जैसे कि अपना साइड का यहाँ से पर्दा आएगा, साइड पर्दा वो भी 1.5 इंच का ही देखेगा, तो किचन का शो अच्छा लगेगा अपने को। जैसे कि हमने जो 1.5 इंच का जो पट्टी चिपका रहे ना, उसके बारे में ये जानकारी हो रही है, अपना ये जो साइड पर्दा आएगा ना, वो भी ऐसा ही 1.5 इंच दिखेगा अपने को, तो एक सेम दिखेगा उसका डिजाइन, कि जैसे कि कुदरत ने बनाया है ऐसा दिखेगा वो सब, कि पूरा घूमता हुआ ऐसा ही 1.5 इंच का ये पूरा ऐसा ही लगेगा आपको, और देखने में आपको लुक भी बढ़िया दिखेगा सर। और ज़्यादा से ज़्यादा सर ये चैनल को सब्सक्राइब करें, गोपाल सिंह चौधरी घाटम दास वाली, जय श्री राम। सर ये अपना हो गया पूरा कंप्लीट, उसके बारे में कल की जानकारी मैं एक नए मोड से ला के दूंगा, कि अपने नए डिजाइन क्या है, उसके बारे में क्या है, वाइल्ड टाइम कैसे लगानी चाहिए, उसके बारे में नई जानकारी और दूंगा आपको मैं। उसके लिए धन्य धन्यवाद गोपाल। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपको अच्छा सा अच्छा वीडियो बना के दिखा सकूँ।